राफेल सौदा महाघोटाला की अविलंब सीबीआई जांच कराने एवं प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर गेट आवर चौक पर कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रदर्शन। मौके पर कांग्रेस के जोनल स्पोक्स पर्सन विजय कुमार मिट्टू ने कहा कि राफेल घोटाला देश के लिए है बड़ी चुनौती। कांग्रेस राफेल लड़ाकू विमान सौदे घोटाले के खिलाफ टावर चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर इस राफेल घोटाले की सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ देश की जनता को ये कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहती है कि इस राफेल महाघोटाले में सीधे रूप से देश के प्रधानमंत्री संलिप्त हैं, उनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में प्रधानमंत्री जी पर अविलंब मुकदमा दायर किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने फ्रांस सरकार से डेसॉल्ट कंपनी से डायरेक्ट डील करके अनिल अंबानी के कंपनी को 30 लाख करोड़ रुपया फायदा कमाने का काम किया है, जिसे आज जन जन में उससे आक्रोश है, खास करके भारत की महान जनता काफी आक्रोशित है। गया के वजीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करी पंचायत के अंबेडकर नगर स्थित दलित टोला में दीना मांझी के घर बीती रात अचानक आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। पीड़ित दीना मांझी की पत्नी शांति देवी के अनुसार घर में रखे चावल गेहूं धान के अलावा मवेशी भी जलकर हुए राख। सब कुछ जल गया, गला पाती सब कुछ जल गया, सामान हम जैसे हमारे कागज पत्र सब जल गया है, जला के सामान हमको चला गया। जलाते हैं तो सब बार के हम सूखते हैं, यहाँ लाइन नहीं भी घींचे, अथी भी नहीं घींचे, समझो क्या लग गया हमको घर। सताइस बिहार बटालियन एनसीसी ऑफिसर प्रशिक्षण एकेडमी गया में एनसीसी मुख्यालय गया ग्रुप के अंतर्गत सी प्रमाण पत्र परीक्षा का किया गया आयोजन। मौके पर परीक्षा में कैडेटों ने हथियार ड्रिल मैप रीडिंग फील्ड और बैटल क्राफ्ट आदि की दी परीक्षा। यहां तक इस कार्यक्रम का सवाल है, आज यहां पर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, जो उसका रिटन एग्जाम हो रहा है। इसका कल हमने प्रैक्टिकल एग्जाम लिया था, जिसमें उनका ड्रिल का प्रैक्टिकल, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स में उनको प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया था। आज उसी सब्जेक्ट्स का रिटन एग्ज़ाम है और इसमें कल 250 कैडेट्स ने हिस्सा लिया था, आज 243 कैडेट्स जो हैं वो यहाँ पर अपना रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिखित परीक्षा जो है उनकी हो रही है। और एनसीसी कैडेट की जो एनसीसी की सर्विस है उसके अंदर उसके लिए सबसे जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम है वो सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है। गया के सीताकुंड पंचदेव धाम में पासी सम्मेलन का किया गया आयोजन। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हुए शामिल। दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने वाले समाज है पासी समाज, जिसको कि बिहार सरकार ने नशाबंदी के नाम पर पूर्ण रूप से ताड़ी व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको 1992 में टैक्स फ्री किया गया था, आज उसके ऊपर प्रतिबंध लगा करके गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो मैं जिसके अंदर एक नहीं हजारों परिवार पासी के जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करता हूं कि बिना शर्त उन सभी परिवार के ऊपर जो मुकदमा चलाया जा रहा है, जेल में हैं, उनको वापस लिया जाए। दूसरी ओर जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है उसके संदर्भ में आज हम सब लोग यहाँ विचार करेंगे कि जब से ये सरकार आई है तब से एक एक करके आरक्षण समाप्त करते जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा बिहार के सभी जिलों में 17 एवं 18 मार्च को उत्कृष्ट कलाकारों के चयन को लेकर प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। उपयुक्त संबंध में गया जिला खेल पदाधिकारी मोहम्मद शमीम अंसारी ने कहा कि प्रतियोगिता में लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, नृत्य नाटक आदि के कलाकार लेंगे भाग।
जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 2018-19 का आयोजन दिनांक 17 एवं 18 मार्च 2019 को सांस्कृतिक भवन संग्रहालय स्थित सांस्कृतिक भवन में आयोजित की गई है, जिसमें लोक गायन, लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य और नाटक की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले इसमें कलाकारों की कोई उम्र सीमा नहीं होगी, किसी भी एज के कलाकार भाग ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जिला के उत्कृष्ट कलाकारों का चयन करना और एक पैनल बनाकर सूची विभाग को भेजा जाना है, जिनसे कि हमारे राज्य के कलाकारों, हमारे जिला के कलाकारों, हमारे राज्य के कलाकारों के को अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनके प्रतिभा का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया के प्रथम वर्षगांठ के मौके पर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का किया गया शुभारंभ। मौके पर प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा कि गरीबों एवं बेसहारों की जरूरतों को देखते हुए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा की गई है शुरुआत। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, मेडिकल डायरेक्टर प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ के लोगों के आज हमारा हॉस्पिटल का पहला वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य में हमने, हमारी टीम ने, मैं डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर अभिषेक एंड डॉक्टर रवि रंजन मिल करके हमें फ्री एम्बुलेंस गया एंड गया के निकटवर्ती सब जगहों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारे इधर इलाके में नहीं है। इसके ज़रूरतमंद लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके पीछे सोच ये है कि हमने एक साल से हेल्थ में हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जो जिनको सवारी नहीं मिल पाती है रात को, तो ये सब कुछ को देखते हुए बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास भाड़ा नहीं है, वो जिनको ऐसे माता पिता हैं घर में रहे, उनके कोई बच्चे नहीं है घर में, कोई रात को दिखाने के लिए कोई नहीं है, ये सब को सोच को दे सब कुछ को देखते हुए हम फ्री एम्बुलेंस सेवा हम अपने हॉस्पिटल के तरफ से स्टार्ट किए हैं, जिसका आने जाने का पेशेंट के लिए कोई कॉस्ट नहीं होगा। डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया। गया के नंगबतिया रोड स्थित जीआर टावर एप्लिक एयरवेज एकेडमी का हुआ उद्घाटन। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गया कॉलेज के उप प्राचार्य आर के पी यादव, बीएड के इंचार्ज धनंजय सर, टेक्नो इंडिया कॉलेज कोलकाता के एडमिशन इंचार्ज निदेशक अरिंदम मुखर्जी हुए शामिल। मैं आर के पी यादव प्रोफेसर, गया कॉलेज गया, हेड MCA, BSCIT एंड गणित, और गया कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर भी हूँ। आज यह जो संस्था खुला है, जो इस इंस्टीट्यूशन नौजवान लोगों ने खोला रखा है इस गया शहर में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इनके मेहनत से, इनके सहयोग से, इनके किए हुए क्रिएटिव वर्क से हमारे गया शहर लाभान्वित होगा। सोच लाए थे कि गया में कम से कम यहाँ पर बहुत से बच्चे लोग ऐसा है, हम लोग पूरे इंडिया के डिफरेंट जगह में घूमे, बट इंडिया के गया बिहार के कंपेरिजन में और भी अदर प्लेस के बच्चे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड, उनके माइंड थोड़ा शार्प होता है। यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी पिछड़ रहे हैं, और बच्चियाँ यहाँ पर जो भी हैं उनको पेरेंट्स बाहर ना भेज करके, मतलब इसकी वजह से थोड़ा उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, क्योंकि जॉब का आपका बैंकिंग या रेलवे SSC मतलब बहुत सारी चीज़ में जॉब की कमी है, बट आपके प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जॉब है जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को। तो हम लोगों ने एक नया अध्याय गया शहर के लिए शुरू किया कि कम से कम कुछ यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको दिल्ली और कलकत्ता और बेंगलोर ना जाकर सारी चीज़ यहाँ पर ला करके हम लोग मौजूद करें। यहाँ पर आपको एयर होस्टेज का हो गया, आपका कैबिन क्रू हो गया, आपका एयर टिकटिंग मैनेजर हो गया,
एयरपोर्ट मैनेजर का हो गया, फिर CSA है, रिटेल मैनेजमेंट, सारे जो भी एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी जॉब है उनका हम लोग कोर्स करवाएंगे। उसके बाद बच्चों को हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट दिया जाए ताकि कम समय में उनको एक अच्छा जो मुकाम मिल सके यहाँ पर और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। क्योंकि युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपना करियर ग्रो करें आकर के, और जैसे आप में जो टैलेंट है उस टैलेंट को किसी दूसरे के प्रति, जो बच्चे दूसरे की तरफ जा रहे हैं कि भाई वो SSC निकाल रहा है, वो रेलवे निकाल रहा है, वो आप में क्या टैलेंट है, आप उसके बारे में सोचिए। और उसके बाद फिर जैसे आप किसी सीनियर से या किसी अच्छे काउंसलर से मिल करके आप काउंसलिंग करवाइए अपने, क्योंकि बिना काउंसलिंग के बच्चे यहाँ पर भटकते हैं, जाके दिल्ली में या कोलकाता में अपने फ्रेंड सर्कल के चक्कर में या बड़े भाई के चक्कर में जाके एडमिशन लेते हैं। नहीं, हमारी युवाओं से ये राय है कि आप किसी अच्छे काउंसलर से कॉन्टैक्ट करें और देखें कि आपके वो टैलेंट को निखारेंगे, आप में जो टैलेंट है। बिहार के बच्चे ऐसे भी जा करके आप ये कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जितने भी मैं सभी जगह जाके देखा हूँ, टीचर भी बिहार के ही हैं और आपके बच्चे भी पढ़ने वाले बिहार के हैं। तो भाई आपके गया शहर में हम लोग मौजूद करेंगे सारी चीज़ों को, तो बिहार से बाहर क्यों जाना। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक CA विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया में। एक वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल ही खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में। किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया। किड्जी, जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने, सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपर स्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा, और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामी टोला, गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 0631222190।